आज विशेष विषय था एक, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में कल हम लोग का चीफ मिनिस्टर आ रहा है, तो वो हम लोग का गार्जियन होता है स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, सब कुछ होता है। तो उनका मंत्रालय के अंदर में कुछ गलत चल रहा था और हम सबको मालूम नहीं था। तो ये बहुत साल से चल रहा था, तो इसका विषय में हम लोग आज हम लोग आया है प्रेस मीट का द्वारा से गवर्नमेंट को और आम जनता को एक मैसेज देने के लिए। तो हम सबका, जो भी आउटसाइडर हो, हम अरुणाचली सिजुसा का हो, पके किसन को, सबका इम्प्रेशन था कि ये 62 किलोमीटर है। लेकिन रिसेंट पास मैंने ऐसे अपना वो उसमें गया, मैंने मैं सोचा कि चलो मेजरमेंट करके देखता है कहाँ में क्या डिफेक्ट है, क्या है, ताकि किसी को समझा सके। तो एंड में हम लोग ने देखा जो ये क्या बोलता है, मैं जियो टैगिंग करके गया हूँ और ये दिस इज क्या बोलता है टीएस टेक्निकल सेंक्शन, ये गवर्नमेंट का आरटीआई से थ्रू से मैं एक्वायर किया हूँ। यहाँ में पूरा हर 100 मीटर का मेजरमेंट है। तो इसको और इसको मिला के मैंने जब गया पाकिस्तान पहुंचा तो रोड तो सिर्फ 49 किलोमीटर 600 था, 50 किलोमीटर भी नहीं है, जबकि जितना भी बिलिंग हुआ है 62 किलोमीटर का। तो ये जो हमने देखा है कि इसका कॉन्ट्रेक्टर कौन है, तो कॉन्ट्रेक्टर तो देखा है तो मैडम एमएलए है, और ये कैसे कराया है? तो ये जो है हम लोग के चीफ इंजीनियर उनका बड़ा भाई या उनका क्या बोलेगा जेठन है अहमद से, उनका सीनियर वो चीफ इंजीनियर था। जनरली कोई भी रोड का रेडिशन होता है तो कम से कम और रुपया को रिफंड करता है, लेकिन यहां में ऐसा नहीं कि फॉल्स बिल बना के खा रहा था। तो बना के खाया या क्या नहीं किया अलग बात हो गया। रोड का कंडीशन इतना खराब है कि आदमी मतलब बिना धक्का से भी नहीं चल सकता, अकेले जाता भी नहीं वो रोड में, क्योंकि धक्का मारना पड़ सकता है बोलते, और लोड गाड़ी का तो जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो पीडब्ल्यू मंत्री है, खुद कंसर्न मंत्री है, मैं उनका आपका द्वारा से अपील करने आया हूँ। सुना आप पाकिस्तान जा रहा और वो रोड को ड्राइव करने जा रहा है, तो मैं सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से आने का बजाय सिजुसा में आप हेलीपैड है उधर लैंडिंग कीजिए, आप वहां से जाइए, सिजुसा से आप पाकिस्तान पहुंचिए। अगर आप और आपका साथ जो भी पुलिस जाता एक बस दे दीजिए, हाँ वो बस वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता वो देखना है नंबर वन, क्योंकि ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये रोड जो है एमडीआर बोलते हैं इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और इसका स्पेसिफिकेशन है प्योरली नेशनल हाईवे का है, मतलब 7 मीटर चौड़ा ब्रिज का कलवर्ट का, रोड का तो ज्यादा है, लेकिन यहां में इस तरह से इतना हाई पोस्ट में एक रूलिंग प्रेसिडेंट होके ये गलत काम किया बोल के मैं सीएम को अप्रेस करने आया हूँ, ये आपका दारा से, और हमारा वहां आ रहा है कल, देखता है सीएम साहब अगर सचमुच वो अभी करप्शन को बारे में हमेशा हर मीटिंग में बोलता है, कल ये बात को, क्योंकि मैं आरटीआई से डॉक्यूमेंट एक्वायर करके और जियो टैगिंग करके इसमें कोई भी फॉल्ट हो तो मैं भुगतने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू गेट पनिश अगर ये गलत है तो। हर कलवर्ट पर हमने मेजरमेंट किया, 7 मीटर भी नहीं है, 7.5 होना चाहिए, 6.10, 6.20, दो गाड़ी जा ही नहीं सकता है। तो ये जो अभी हाईवे कन्वर्ट होने जा रहा है, हाईवे कन्वर्ट होगा तो हाईवे इसको रिजेक्ट करेगा, तो रिजेक्ट होगा तो हम लोग लड़ने से फरार होगा। इतना बड़ा स्टेज में 131 क्या कलवर्ट है, उसको फिर तोड़ेगा हाईवे, तो फिर हम अनदर 20 साल हम तो फिर बिना आना जाना में रहेगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप खुद पीडब्ल्यू का मंत्री है, आप करप्शन को अगेंस्ट में है, हम भी जानता है आप रियली आप बहुत इस पे डिस्करेज करता है,
लेकिन अभी आपका कॉलीग जो पार्टी का प्रेसिडेंट है अभी वो खुद ही इतना करप्शन कर रहा है, इसका हिसाब या इसको आप कैसे एक्शन लेता है? वो खुद विजिट करता है साइट में और उनका विजिट हमेशा उल्टा से पाकिस्तान से आता है। वो जानता है कि हम सीजुसा से 0.1 से जाएगा तो हमको 49 किलोमीटर मिलेगा, 62 किलोमीटर होगा नहीं, इसलिए वो उल्टा दिशा से हमेशा वो आता है। हम तो सोचता है कि अरे ये लोग क्यों उल्टा दिशा से हमेशा इंस्पेक्शन करता है। अभी मालूम हो गया क्या, सीज बिगिनिंग मतलब जब से टेंडर हुआ, जब से काम हो रहा, क्योंकि उनका अपना आदमी कॉन्टेक्ट कर रहा है उसको वो करने के लिए, वो पेटेंट करते रहा है और अपना ये जो सेविंग जो हुआ था, जो रुपया सेविंग होता है आपको, उसमें अराउंड टेंडर कोट किया 120 19 करोड़, जबकि प्रोजेक्ट का 166 का था, उसमें माइनस होके 142 करोड़ होता है, उसको टेंडर फ्रॉड किया था तो उसमें लोअर बिडिंग हुआ, तो जो रुपया सेविंग हुआ उसको वो करने के लिए फिर वो अपना चीफ ऑफिस से डायरेक्शन देता है कि तुम लोग साइट विजिट करो, रिक्वायरमेंट क्या है उसका, क्या बोलता है, स्पेसिफिकेशन बढ़ गया क्या, तो उनका एसी जाके रिपोर्ट करता है, हाँ काम बहुत बढ़ गया, जबकि टेंडर चल ही रहा था। ये ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ये पूरा पब्लिक का मनी को खाने के लिए और रास्ता अच्छा नहीं बनाया, इसका ज्यादा दुख है। तो इसीलिए हम लोग चाहता है सीएम साहब आप कल जा रहा है, सुशील साहब के जाइए, हम आपको वेलकम करता है। और आप क्या एक्शन, आप ये AEJ एक्शन को एक्शन ले मत लीजिए, आप डायरेक्ट चीफ ऑफिस में एक्शन लीजिए, एसी इज इन्वॉल्व, चीफ इंजीनियर इज इन्वॉल्व, प्लानिंग ऑफिसर इज इन्वॉल्व, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइट का कोई इन्वॉल्व नहीं हमने देखा, क्योंकि मैंने RTI निकाला है, मैंने बोला है ये रिवाइज एस्टिमेट के लिए कॉन्ट्रेक्टर ने आपको रिक्वेस्ट भेजा, RTI में रिप्लाई बोला नहीं दिया। तो जबकि वो टेंडर का जो एग्रीमेंट में लिखा है कि वो जो आपको कॉन्ट्रेक्टर जो है परसू करना पड़ता है, अगर कोई क्वांटिटी बढ़ा है तो वो लिखना पड़ता है कि आपका क्वांटिटी बढ़ गया, इसलिए हमारा क्वांटिटी हमको इसका एक्स्ट्रा मेजरमेंट चाहिए बोल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीफ ऑफिस से हमेशा डायरेक्शन हुआ। तो ये ह्यूज करप्शन हुआ, कम से कम ये 60 करोड़ का गफेला हुआ है। अभी हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी जस्ट आज CM सब जा रहा बोल के हम उसको एक्नोलेजमेंट देने के लिए हम ये कर रहा था। और ये देखो एक रिपोर्ट है, ये सारा कंप्लीटेड है, 62 किलोमीटर, हर रिपोर्ट में 62 कंप्लीटेड लिखा है, दैट मीन दे हैव बिल्ड फॉर 62 किलोमीटर, नॉट 49 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा विषय है एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, ये पब्लिक फंड है, हम लोग भी अभी GST दे रहा है सारा, इट्स अवर मनी, तो अवर मनी कैन नॉट बी साइफन लाइक दिस, देयरफॉर आई नीड अ स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर हु हिमसेल्फ इज द कंसर्न मंत्री। आप करप्शन का बात करता, अगर आपको हम आज एकदम फेस करके मैं आप बोले तो मैं काली आपको दे दूंगा हकीकत, या आपका पास भी सिस्टम है काली कीजिए, मेरा ये बात सही है ना गलत है, गलत हो तो आप हमको जेल डालिए, अगर सही है तो आप क्या एक्शन लेता लीजिए, लेकिन छोटा मोटा ऑफिसर को सस्पेंड मत कीजिए, ये गलत बात होगा, क्योंकि मैं एकदम अप्रूवर बड़ा लोग इतना 70-80 हजार जैसे मारा है इसमें, ये प्रोजेक्ट में, और रोड का कंडीशन इतना वर्स है, एक साल भी नहीं टिकेगा, इसलिए हम लोग वॉरिड है, वी आर ऑल कंसर्न। फाइनल अमाउंट 142 था, लेकिन उसको क्या किया रिवाइज में उन लोग ने पूरा मिला दिया, क्योंकि रिवाइज में फिर उन लोग ने डाल दिया। हाँ, फाइनल जो टेक्निकल सेंक्शन है उसका अमाउंट था आपको ये कहा है 141.75 करोड़ था, ये टेक्निकल सेंक्शन वाला, इस पे बेस करके टेंडर दिया था, और लोएस्ट टेंडर मारा है 119 करोड़, तो उसका सेविंग जो है मतलब वापस चला जाता। टेंडर आपको ये 2017 में हुआ, रोड में से रोड का कंडीशन सही ढंग से रोड नहीं बना,
ना करते हैं। आप लोग मतलब ओवर मतलब जैसे कि आप वो एक बार क्लेम कर रहे हैं कि 49 किलोमीटर से लेकर लेकिन 62 का बिल बना के खाया है, बिल बना रहा अभी भी बना रहा है। एंड ये उनका ही रिपोर्ट जो है ये बता रहा कि कंप्लीटेड 62 किलोमीटर कंप्लीटेड। ये जो है एक सेकंड, ये जो है एनईसी को देना पड़ता है क्योंकि इनका फंडिंग अथॉरिटी एनईसी है। एनईसी 62 का पैसा दे रहा आज भी। और ये है वांगी साहब का नोट जो चीफ इंजीनियर एक बार शायद जाता हूं बोलता है सारा ब्रिज को, एक ब्रिज का दाम है 1,96,00,000, उसको अभी 6x6 कलवर में कन्वर्ट कर दिया और 6x6 कलवर्ट का कॉस्ट है ओनली 19 लाख 1,96,00,000 को वो 19 लाख में बनाओ बोल के ऑर्डर दे दिया। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट से अप्रूव लिया ना कोई ड्राइंग हुआ, सिंपल साइट में जाके ये उनका वो कागज मैंने आरटीआई से अवेल किया है। और देखो एक कलवर्ट में एक सॉरी ब्रिज में वो ही इज मेकिंग मनी और आई थिंक 90 लाख 10 ब्रिज में। आप सोचो वो ब्रिज का सिर्फ बात कर रहा हूं, कलवर्ट भी है, कलवर्ट का आपको टोटल है मोर देन 300 हाँ। लेकिन कलवर्ट अभी बनाया है क्योंकि अभी फिनिश हो गया रोड, सिर्फ 131 पीसेस है, वो भी छोटा छोटा 1.5-2 मीटर 3 मीटर का, जबकि उनका सेंक्शन हुआ मोर देन 3 मतलब ऑल फॉल बिल्स हैज बीन अप्लाइड हियर। हमने उनका मेजरमेंट पे किया क्योंकि हमने जीरो से टेकअप किया हर कलवर्ट का, हमें कौन से जगह में उन्होंने कलवर्ट बनाया नहीं बनाया ये सारा यहाँ में ड्राइंग है। तो यहाँ जाते जाते लास्ट कलवर्ट जो उसका एंड में उसको बोलेगा स्विचिंग, वहां तक जहां तक वो एक कलवर्ट है वो भी आपको कलवर्ट जो है 24 मीटर का है, उसको भी उन्होंने 6 मीटर का बना दिया और वहां वही लाश है। तो उसको क्रॉस करने का बाद अनदर 600 मीटर मोलने से नेशनल हाईवे मिल जाता है जंक्शन पॉइंट। तो वहां तक हमने ये मेजरमेंट किया तो ये 49 किलोमीटर 600 समथिंग है, चलो 50 पकड़ लो बट नॉट एट ऑल 62 एंड बिल बना रहा है 62 हर आइटम में 62 है, चाहे ब्लैक टॉपिंग बोलो कलवर्ट बोलो सारा ब्रिज बोलो एक्सेस, मतलब इतना हिम्मत तो किसी को होना नहीं चाहिए। ये तो मैं रियली वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है और कंसर्न मंत्री चीफ मिनिस्टर है, कम से कम मैं तो 10 बार सोचता अरे सीएम खराब पाएगा सोच के।